गुजरात के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, व्यापार के लिए दी गई अतिरिक्त छूट, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। डीएमसीएच में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत, एक ढाई महीने का मासूम कोरोना का हुआ शिकार, बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। देश के साथ बिहार में तेजी से घट रहा संक्रमण दर, पिछले 24 घंटे में देश में मिले 152,734 नए मरीज, तो बिहार में मिले 1,475 मरीज। कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे झारखंड को मिलेगी लॉकडाउन से राहत, सीएम सोरेन ने अनलॉक के लिए जनता से ट्विटर पर मांगा सुझाव। बिहार में कोरोना जांच में आई कमी पर राजद ने सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना को लेकर सरकार नहीं है सजग, लगातार बढ़ती जा रही है सरकार की लापरवाही। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को हो रही काफी परेशानी, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने लगाई मदद की गुहार, राज्य सरकार से किया टैक्स माफी की मांग। मोकामा में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब, जलालपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नहीं की गई है तैनाती। मुंगेर जिले में बाढ़ की आशंका पर जिला प्रशासन ने की तैयारियां तेज, भागलपुर से एसडीआरएफ की 6 सदस्यीय टीम पहुंची मुंगेर, टीम के सदस्यों ने लाइफ बोट, लाइफ जैकेट के साथ अन्य सामानों का लिया जायजा। बक्सर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, इस दौरान दो लोग हुए जख्मी, मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने मुरार हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, जबकि अभी भी 3 आरोपी फरार। औरंगाबाद दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ऑटो चालक हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि मुख्य अपराधी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। रोहतास में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, 6 मजदूर बुरी तरह जख्मी, सभी मजदूर मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वैशाली जिले में लगातार हुए बारिश ने सैकड़ों परिवार को किया बेघर, सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर हुए लोग, जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जामताड़ा में व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में वज्रपात की चपेट में आने से 45 वर्षीय शख्स की मौत, मृतक अपने नवनिर्मित मकान की कर रहा था घेराबंदी, इसी दौरान हुआ हादसा। कटिहार में जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जॉब जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस, कार्यकर्ताओं ने कहा मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। नालंदा में मछली मारने के विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दबंगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, फिलहाल पुलिस तीनों से कर रही पूछताछ।